कुल 26 पार्टियों से बना इंडिया गठबंधन मुंबई में अगली बैठक करने जा रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि गठबंधन की पार्टियों में सीटों के बंटवारे पर क्या फैसला होता है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी ने गुजरात की तर्ज पर बिहार में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी योजना की घोषणा कर दी है। गठबंधन की मुंबई बैठक से ठीक पहले पार्टी की इस घोषणा ने बिहार के सत्ताधारी दलों को सकते में डाल दिया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नपे तुले शब्दों में आम आदमी पार्टी के फैसले से अपनी नाराजगी जता दी है। मनोज झा ने कहा है कि जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था तो कुछ मर्यादाएं तय की गई थीं। उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी उन मर्यादाओं का पालन करेगी। इंडिया गठबंधन की जब नींव पड़ रही थी और जब उसका ढांचा खड़ा हो रहा था तो उसकी कुछ मर्यादाएं थी और उन मर्यादाओं पर थोड़ा विशद विश्लेषण भी हुआ था, बातचीत हुई थी। मुझको लगता है कि बयानों के इतर वो उस मर्यादा का पालन करेंगे। यानी मनोज झा यहाँ दबी जुबान में ही केजरीवाल पर मर्यादाएं तोड़ने का आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। बिहार के दूसरे नेताओं ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी का बयान इंडिया गठबंधन की मूल भावना पर सवाल खड़े करता है। जाहिर है इस मामले में बिहार के सत्ताधारी दल भले केजरीवाल की खुलकर आलोचना करने से बच रहे हों, उनके इस फैसले से वो सकते में जरूर हैं। आप पार्टी के लगातार बयान इस टाइप के आ रहे हैं, जबकि बिहार प्रदेश का चुनाव अभी 2025 में, उससे पहले पार्लियामेंट के चुनाव, अभी वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पर भी वो बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। इन सभी बातों पर मुझे लगता है कि बॉम्बे वाली बैठक में, INDA के बैठक में, इस पर जरूर कोई ना कोई निष्कर्ष निर्णय बड़े नेता लेंगे कि इस प्रकार गठबंधन में रहकर अन्य राज्यों में एक दूसरे से अगर हम लड़ेंगे तो ये फिर INDA का जो मौजूदा स्थित है उसके ऊपर एक सवालिया निशान बन जाता है। जाहिर है आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब बिहार में भी अपने पैर पसारने के मूड में है। संदीप पाठक का कहना है कि इंडिया गठबंधन में जो रजामंदी बनी है वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए है और उनकी योजना सभी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ने की है। विधानसभा चुनावों का, तो विधानसभा चुनाव तो हमारी तैयारी बहुत पहले से चल रही है और अच्छे से लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, सारी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ते जाएंगे। तो एक सिलसिलेवार है, गारंटी अभी दिया गया है। केजरीवाल का ये कदम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को कमजोर करने वाला माना जा रहा है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने बिहार में संगठन विस्तार का ये शगुफा विपक्ष की मुंबई बैठक से ठीक पहले छेड़ा है, जबकि बिहार में फौरन विधानसभा चुनाव जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या केजरीवाल मुंबई बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में अपनी बार्गेनिंग एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। खास बात यह है कि अभी इंडिया गठबंधन के सामने सीट बंटवारे का सबसे मुख्य मुद्दा जस का तस बना हुआ है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों पर समझौता होना आसान नहीं। केजरीवाल छत्तीसगढ़ में भी चतुराई से कांग्रेस की वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। उन्होंने राज्य में 10 गारंटियों की घोषणा की है, जिसमें बेरोजगारों के लिए 3,000 रुपये मासिक भत्ता, महिलाओं के लिए मासिक सम्मान राशि और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने जैसे वादे शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस बिजली बिल आधे करने का वादा करके छत्तीसगढ़ की सत्ता में आई थी। जाहिर है केजरीवाल के वादे कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने की सोची समझी रणनीति नजर आते हैं। जल्द ही केजरीवाल और भगवंत मान राज्य का एक और दौरा करने जा रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ को संभावनाओं भरे राज्य के तौर पर देख रही है। इसके अलावा केजरीवाल राजस्थान में भी अपनी गारंटियों की घोषणा करने जा रहे हैं। देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और वो किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को लीड लेते हुए नहीं देखना चाहती। ऐसे में केजरीवाल इंडिया गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी भी साबित हो सकते हैं। चुनाव आज तक।